नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ कुछ प्लांट शेयर करने जा रही हूँ जो कुछ सीजनल हैं और कुछ परमानेंट हैं, जो मैंने फर्स्ट टाइम लिए हैं। मैं उनके बारे में बात करूँगी। ये देख सकते हैं, जरवेरा का प्लांट है जो मैंने फर्स्ट टाइम लिया है और नर्सरी वाले ने तो कहा था ये परमानेंट है, और अभी मैं देखती हूँ कि ये क्या मेरे गार्डन में परमानेंट रहता है या नहीं। मुझे इसकी फुल केयर के बारे में नहीं पता है, लेकिन कोशिश करूँगी कि मैं अपने जो घर पे ही इस फर्टिलाइज़र वगैरह बनाती हूँ उसको डालूँगी। तो अगर ये चल जाता है तो मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कौन सा मैं इसके साथ फर्टिलाइज़र देती हूँ और इसकी केयर कैसे करते हैं। जब आप अपने गार्डन में कोई प्लांट लाते हैं तो उसको आप खुद को धीरे धीरे करके ही उसके बारे में जान पाते हैं कि इस प्लांट को कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये देख सकते हैं, ये जरवेरा है। दूसरा प्लांट जो है जरेनियम का है। तो जरेनियम मैंने एक ही प्लांट लिया है, ये देख सकते हैं येलो कलर का है। ये मेरे पास 3 से 4 प्लांट और लगे हुए थे, लेकिन ये मुझे 25 में मिल गया तो मैंने इसे आज परचेस कर लिया है। और जरवेरा प्लांट वैसे तो बहुत ही कॉस्टली नर्सरी में आता है, लेकिन यहाँ उसने मुझे 140 में ही दे दिया था तो मैंने उसको ले लिया है। वैसे मैंने 2 ही प्लांट लिए हैं क्योंकि ये थोड़ा मुझे कॉस्टली लग रहा था, और मैं देखती हूँ क्या ये हमारे गार्डन में परमानेंट चलता है। अगर ये चल जाता है तो मैं नेक्स्ट सीजन में और भी परचेस कर लूँगी। लेकिन पहले अगर आप प्लांट्स के बारे में नहीं जानते हैं तो कोशिश करें 1 ही 2 प्लांट लें, ज़्यादा ना परचेस करें। ख़राब हो जाते हैं तो बहुत ही दिक्कत आती है और थोड़ा दुख भी होता है कि यहाँ इतना पैसा लगाया और हमारे प्लांट नहीं चले। तो जल्दबाजी मत करिएगा। तो जरवेरा प्लांट वैसे तो नर्सरी में सभी लोग कहते हैं परमानेंट चलने वाला है, लेकिन देखते हैं फ्रेंड्स। ये है डहेलिया का प्लांट जो येलो कलर में है, और एक लिया था मैंने पिंक कलर में, ये खिला हुआ है। और ये ले लिया था मैंने एरिका पाम का, जो मैं इसको ड्राइंग रूम में रखने वाली हूँ। वैसे तो मेरे पास एरिका पाम काफ़ी ज़्यादा हैं, 5 से 6 प्लांट हैं। ये मुझे 100 रुपीज़ में मिला था तो मैंने इसको परचेस कर लिया है। और येलो कलर का ये देख सकते हैं डहेलिया का प्लांट जो मुझे 40 रुपीज़ में मिला था, तो मैंने सोचा क्यों ना ले लें, क्योंकि जब आप नवंबर दिसंबर में लेते हैं तो ये थोड़ा कॉस्टली मिलता है, 80-90 ऐसे प्राइस में मिलता है। कहीं कहीं तो इसके और भी ज़्यादा प्राइस हैं, क्योंकि तो अब ये सीज़न जा रहा है इसलिए मुझे 40 रुपीज़ में मिल गया। आई होप फ्रेंड आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ख्याल रखिएगा।